इंदौर के नूरानी नगर में निर्माणाधीन मकान में हुई युवती की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मकान मालिक के बेटे को गिरफ्तार किया है, जबकि हत्या का मुख्य आरोपी फरार है। पुलिस ने मृतक युवती की पहचान दमोह की रहने वाली निवासी संध्या के रूप में की है। पुलिस की माने तो मृतका के संबंध जावेद नाम के शख्स के साथ थे, लेकिन उसने कुछ दिनों से जावेद से दूरी बना रखी थी। जावेद ने संध्या को बहाने से बुलाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को मुश्ताक के निर्माणाधीन मकान में छोड़कर फरार हो गया। इस हत्याकांड में मुश्ताक के बेटे वाजिद ने भी जावेद का साथ दिया था। मकान में लाश की खबर वाजिद के पिता मुश्ताक ने ही पुलिस को दी थी। आज में यही आ रहा है कि गए थे उस समय के पास कोई साधन नहीं था, तो उसको मार के वहां छोड़ आए थे और आगे उनका ये प्लान था कि अगले दिन समय मिलने पर कोई साधन या गाड़ी ले जाके लाश को अन्यत्र निकालने लगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।